आज हम बनाएंगे चिकन बोन सूप। ये बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत स्वादिष्ट बनता है और बहुत आसान है बनाना। तो चलिए बनाते हैं चिकन बोन सूप। बोन के साथ मैंने चिकन लिया है, ये हाफ के जी है। इसको मैंने वॉश करके रेडी कर लिया है। कैबेज मैंने लिया है, ये छोटा सा पीस लिया है। 10 गार्लिक के दाने लिए हैं, ये हाफ इंच अदरक का मैंने लिया है। एक कैरेट है, 3 हरी मिर्च यूज़ करेंगे, 3 बीन्स है हरी बीन्स। धनिया पत्ती मैंने लिया है और ये धनिया पत्ती का डंठल है, कोरिएंडर लीव्स का। ये अदरक को मैंने थोड़ा सा घिस करके रखा है, ये आपको हम दिखाएंगे कब यूज़ करना है। एक आलू यूज़ करेंगे, एक प्याज यूज़ करेंगे, तेजपात पत्ती हम यूज़ करेंगे और पेपर हम यूज़ करेंगे, काली मिर्च ये 15 से 20 दाने हैं, और पाउडर भी हम यूज़ करेंगे, आपको दिखा देंगे कब क्या यूज़ करना है। बटर में हम बनाएंगे, साथ में हम थोड़ा ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे और नमक स्वाद अनुसार यूज़ करेंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। आलू को मैंने छोटे छोटे कर लिए हैं, कैरेट भी कट कर लिया है, प्याज भी छोटे छोटे किए हैं, कैबेज भी छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और बीन्स को भी कट कर लिया है मैंने। मैंने बटर लिया है, करीब 1.5 टेबल स्पून है, और अदरक, हरी मिर्च और गार्लिक को मैंने जस्ट कूट लिया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें बटर और ऑयल, ऑलिव ऑयल डालेंगे। इसमें हम आलू को पहले फ्राई करके निकाल देते हैं। आलू फ्राई करने से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए हम आलू को पहले फ्राई करके निकाल देंगे। आलू हमारा फ्राई हो गया, इसको हम निकाल लेते हैं। अब हम इसमें पेपर और तेजपात पत्ती डालेंगे, साथ में गार्लिक, अदरक और हरी मिर्च को डालेंगे। इसमें थोड़ा जो मैंने प्याज कट किया था वो भी डाल देते हैं। हो गया, अब हम इसमें चिकन डाल करके साथ में फ्राई करेंगे। इसमें नमक डाल दें करीब 1 टीस्पून। फ्राई करेंगे, इसको 5 से 7 मिनट तक हम फ्राई करेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसमें 2 मिनट हमने फ्राई किया है, अब हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे। एक टमाटर मैंने लिया था, हम दुकाना आपको भूल गए थे, तो एक टमाटर डाल देंगे तो इससे कलर अच्छा आएगा और टेस्ट भी, फ्लेवर अच्छा आएगा। थोड़ा सॉफ्ट फ्राई करेंगे टमाटर के साथ भी।
इसको फ्राई करते हुए 7 मिनट्स हो गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी इसमें अच्छा से डालना है क्योंकि सूप है, इसका हमें पानी निकालना है। इस गिलास से मैंने 3 गिलास पानी डालना है। अब हमें इसको ढक करके बॉईल करना है। करीब 15 मिनट्स हम रखेंगे इसको इसी प्रकार से। गैस को मीडियम कर देते हैं, इसको पकाते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। मैंने मीडियम फ्लेम पे ही पकाया था। इसको अब हम छान लेंगे। मैंने छाना था, इसमें बोन अलग कर लिया था। बोन में से मैंने इसका फ्लैश निकाल लिया है, पूरा छोटे छोटे पीस कर दिए हैं इसको। और ये मेरा स्टॉक है, इस ये इतना निकला है। अब हम चलते हैं इसको प्रिपरेशन करने के लिए, आपको दिखाते हैं कैसे करना है। ये ऑलिव ऑयल हम डाल रहे हैं, ये करीब 1 टेबल स्पून है। इसमें हम जिंजर डालेंगे। ये हाफ ऑनियन जो मैंने रखा था वो हम डाल रहे हैं छोटे छोटे करके। साथ में कैरेट और बीन्स भी डाल देंगे। थोड़ा टॉस कर लेते हैं। ये 2 मिनट हो गया है फ्राई करके। अब हम इसमें पोटैटो जो मैंने डीप फ्राई करके रखा था वो भी हो गया, उसको डाल दिया मैंने। साथ में ये कैबेज, और धनिया का मैंने जो डंठल काटा था वो भी साथ में हम डाल देते हैं। चिकन का जो प्लस रखा था छोटे छोटे पीस करके वो भी डाल दिया मैंने। और ये पूरा मैंने डाल दिया। इसमें नमक थोड़ा नमक हम और डाल रहे हैं क्योंकि पहले कम डाला था मैंने। टेस्ट करके उसके बाद डाल सकते हैं। पेपर डालेंगे हम करीब 1 टीस्पून। इसको बॉईल होने देंगे 5 मिनट्स, फिर हमारा रेडी हो जाएगा। इसको 5 मिनट के लिए ढक के बॉईल करेंगे, उसके बाद रेडी हो जाएगा। 5 मिनट हो गया बॉयल होकर के। देखिए मेरा रेडी हो गया। अब हम गैस ऑफ कर रहे हैं। इसमें हम धनिया जो बैलेंस रखा था उसको हम डाल देते हैं। अब हम इसको प्लेटिंग करेंगे। कलर बहुत ही अच्छा आया है।
पीने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा, काफ़ी हेल्दी होता है ये वैसे। ये देखिए मैंने प्लेटिंग कर लिया है, इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। और जब देते समय हम छोटा छोटा पीस बटर का ऊपर से डाल देते हैं, अगर आप चाहें तो, अदरवाइज ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लग रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो थम्स अप दें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना व्यू दे सकते हैं, उसमें जो भी पूछना हो आपको हम रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।